पानीपत में एक पुलिसकर्मी ने सामान्य अस्पताल के पार्क में फूल तोड़ने आए सफाई कर्मी से मारपिटाई की है। आरोपों की माने तो पुलिसकर्मी ने सफाई कर्मी से अभद्र भाषा व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया है। मामले की सूचना पर सामान्य अस्पताल के कर्मचारी एकजुट हो गए। कर्मचारियों ने पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की पुरजोर मांग उठाई है। आपको बता दें कि सुपरवाइजर पारस ने एक सफाई कर्मी संदीप को सामान्य अस्पताल के पार्क में फूल तोड़ने के लिए भेजा था। आरोपों की माने तो जब संदीप फूल तोड़ रहा था तो पीछे से आए एक पुलिसकर्मी ने सफाई कर्मी संदीप के साथ बदतमीजी करते हुए उसके साथ मारपिटाई की, जिसकी सूचना उसने अपने सुपरवाइजर को दी। मामले की सूचना पाकर अस्पताल का अन्य स्टाफ भी मौके पर पहुंचा और पुलिसकर्मी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग पर अड़ गया। वही सूचना पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उन्हें न्याय मिलेगा। इधर सफाईकर्मी नाराज हैं और उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी वह हड़ताल पर रहेंगे। बताते चले कि सफाईकर्मी ने पुलिसकर्मी द्वारा अभद्र भाषा व जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल के भी आरोप लगाए हैं। जी, सुबह 7 बजे मंदिर बना रखा ऑफिस में, पूजा के लिए फूल मंगवाए थे। ये लड़का गया वहाँ, जाते ही न बोला होगा गाड़ी गलौज की, जाति सूचक शब्द भी बता रहे हैं और इसने उसका थप्पड़ मारे हैं। उसको हमने जाकर पूछा तो मकाया भाई साहब ऐसे क्यों कर रहे हो आप, उनका चल आपका भी पर्चा दर्ज करता हूँ, ये कोई तरीका नहीं है जी, ये हमारी सेफ्टी के लिए बैठाए हुए हैं, ठीक है। और ये क्या चाहते हैं कि रोड़ा रबदा करके चौकी उठे यहाँ से, बैठाए तो हमारी सेफ्टी के लिए है, ये तो उल्टा हमारे स्टाफ को पीट रहे हैं। आज तो शिवरात्रि थी, कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा को नशा तो नहीं किसी ने किया हुआ था? रात के 1-1 बजे मेरी नाइट ड्यूटी चल रही है, 1-1 बजे रात ना हमने गश्त करते हुए पकड़ते हैं पुलिस उनको, शराबियों को, उस टाइम ना देखते जी। पुलिसकर्मी ऐसा क्यों कहेगा बिना बात के? एक बात बताओ ना जी, वो साथ में है, इसने कुछ गलत बोला हो हमारे से एप्लीकेशन दो, कंप्लेंट करो, जब तो हम कुछ कार्रवाई। अब आपका सारा स्टाफ हड़ताल पे, क्या चाहते हो आप? ये तो वो जिसके मारे हो बताएगा ना सर। नहीं, आप लोग क्या चाहते हो? हम तो उसकी गलती है ना, अगला गलती मानो अपनी, ये सबके सामने अपनी फील करो है सामने। तो ये है जी, एक बात बताओ, ये पुलिस वाली हमारी सेफ्टी के लिए है, जहाँ राउंड करना चाहिए वहाँ तो राउंड नहीं ले रहे हैं। आप अधिकारी को मिले हो? मैंने फोन किया था सर से, आज तो कह रहे छुट्टी। नाम क्या? मेरा नाम पारस है सर। ये सुबह मेरे को फूल तोड़ने के लिए बोला था भाई साहब, पार्क से फूल तोड़ के लिया और मैं गया सर, सुबह का 7 बजे का टाइम था, तो मैं फूल तोड़ने लग रहा था सर जी, 1-2 ही तोड़ा था, और जब आप घूमते हुए आए भाई फूल क्यों तोड़ रहा है वहाँ सर जी, आज शिवरात्रि है उसके लिए फूल तोड़ रहे हैं हम। मैं बोला फूल ना तोड़े, बाहर निकल ले वहाँ, ठीक है सर जी, ज़्यादा लाग रहे हैं वहाँ सर, 1-2 चाहिए हमने, 1-2 ले लें दो, तो इतने अनुभव उसने कुछ नहीं कहा जी। अंदर आया बोला किस कास्ट से है वहाँ वाल्मीकि, बोला अच्छा चूड़ा, उन्हें मेरे एक तुम्हारा बुद्धि में जी, एक मेरा कान पर, फिर मैं बाहर काट दिया, फिर मैंने सुपरवाइजर के पास फोन कराया जी, मारा सर जी भी ऐसी ऐसी बात हुई मेरे साथ और मेरा मारे हैं, तो सर जी भी मौके पर आ गए जी, नो बोला भाई तुम मारे क्यों इसके, नो बोला आप कौन, बोला मैं सुपरवाइजर हूँ यहाँ पे, बोला चलो उड़ा जाओ ऑफिस में, आपका भी नंबर कटेगा, पर्चा दर्ज होगा, तो सर जी उसने हमारे साथ जातिवाद की है। शिवरात्रि की पूजा के लिए तोड़े हैं यहाँ पे, आप मंदिर में पूजा करने में, और फिर में मंदिर में, हाँ ऑफिस में छोटा मंदिर है उस पे रखने के लिए। आज किसने आपको कहा था फूल तोड़ के ले आओ पूजा के लिए? ये हमारे सुपरवाइजर हैं जी, पारस सर जी, तो पूजा के लिए फूल तोड़ जी, आज शिवरात्रि है। कितने दिनों से काम कर रहे हो यहाँ सर? यहाँ पे 2.5-3 साल की करीब हो गया। क्या काम है आपका? वैसे ये सुपर का काम करते हैं सर, झाड़ू पोछे का, सफाई का। नाम बोलो अपना। नाम सोनू सनोपलवी। आज आप हड़ताल कर रहे हो, स्ट्राइक कर रहे हो, किसके विरोध में कर रहे हो? सर एक गरीब सा बच्चा हमारा सोनू नाम है इसका, और दिन रात मेहनत करते हैं सर यहाँ पर, जितने भी सफाई कर्मी हैं, जो भी क्लास 4 हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं सर। जो बच्चा को ऊपर हाथ उठाया आज, उसने ये भी पूछा भाई तू स्टाफ का है, तो 2 फूल तोड़ने के लिए कुछ धमका देता है, फिर कुछ पूछ लेता, इसने बताया फिर भी इसको ऊपर हाथ उठाया सर, इसलिए हमारे को बहुत दुख है इस बात का। हम सारे एक हैं और एक ही रहेंगे सर, जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी ना, इसको कोई कार्रवाई नहीं होगी, इतना हम कुछ नहीं करेंगे। शिवरात्रि की पूजा थी, आज छुट्टी है, फिर भी आप काम कर रहे हो? हम छुट्टी है सर, हम काम करें इसलिए करें भी, हम सफाई करके 2 बजे घर चले जाएंगे, हम पूजा कर लेंगे, जाके कर लेंगे सर। हम भी एक लेडीज हैं, ये भी एक जेंट्स हैं सर, हम इसीलिए आए भी, हमारे शिव की सफाई भी हो, या छोटा सा मंदिर है उसके अंदर 2 फूल चढ़ा भी दिए जाए तो बुरा तो नहीं था सर। वो भी एक सरकारी मुलाजिम है, उसको सोचना चाहिए था, भी एक वर्कर आया है यहाँ पर 2 फूल तोड़ने के लिए,
बगीचा की साफ सफाई सारा कारोबार ये करते हैं सर। एक दो फूल तोड़ने का हक नहीं था इसका। सिविल हॉस्पिटल में जो पुलिस चौकी नई बनाएगी उसका कर्मचारी था? हाँ सर, हाँ उसका कर्मचारी था। सुरक्षा के लिए छोड़ रखा सर, ये तो नहीं था। स्टाफ की पिटाई करेगा वो, उसने कहा सिविल वर्दी में था सर, वो सिविल वर्दी में था। उसको उन्होंने कहा ये पता चल जाएगा उस पुलिस या कौन होता है। जानकारी है कोई नाम है उसका? नाम सर सर नाम तो उसका पता नहीं, नया नया आया है वो। यहाँ से जो पहले था ना वो सही था, उसकी जगह पे बदली हो क्या है सर, वो दो चार दिन से ही। आपका नाम? मेरा नाम संतरा है सर। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।